पवित्र स्वच्छ शरीर कहते हैं पवित्रता, है ना। पवित्रता क्या है वो भी सुना है आपको, क्योंकि हमने बाबा के घर में छोटे बच्चे से पकड़ के 80-90 साल के लिए सभी के लिए, है ना। तो इसके लिए बाबा ने पवित्रता एक चीज पवित्रता मन की, तन की, संकल्प की, व्यवहार की, वाणी की, बहुत प्रकार की पवित्रता उसके अंदर। भारत क्या था? स्वर्ग था। तो भारत के अंदर इतना सारा पिछड़ा किसने बनाया? सब लोग कहते हैं माताओं ने बनाया, सही। मुझे तो पता नहीं, आप बताओ। भारत स्वर्ग था, है ना। तो भारत में इतनी सारी गंदगी, सारे सब जगह पर कागज है, किसने बनाया? कहते माताओं ने बनाया। बाबा ने नहीं, भारत तो स्वर्ग था, है ना। बाबा ने आकर के माताओं के द्वारा ज्ञान का कलश रखा, इस नरक को स्वर्ग बनाने की क्या किया, नींव रखी, है ना, कलश रखा। लेकिन माताओं की बहुत जो माता है, भारत माता है, तो ये भारत ऐसा कैसे क्यों हुआ? अब इसकी जिम्मेवारी कौन? तो आता है पहली स्वच्छता। घर में माता लक्ष्मी है, सवेरे उठते ही घर में सफाई करना चाहिए, सवेरे उठते स्नान करके किचन में आना चाहिए। संभव है? ठंडी है, कर सकते हो? करते हो भाई? बताओ, हो सकता है कि कठिन है, ऐसे करना चाहिए? ये भारत क्या है? बिना स्नान के कोई भी मंदिर में नहीं आता है, ये भगवान का घर है, भगवान के पीछे। तो सवेरे उठते नियम करो, सवेरे उठते पहले स्नान करो, फिर दोबारा चाहे तो दोबारा करो, है ना। घर में होते हो, सवेरे उठते स्नान करके फिर किचन में जाओ, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, सब करो। और दूसरी सफाई हो चाहिए। घर में मच्छर है, मक्खी है, घर में सफाई नहीं है, सब जाली लगी हुई है। नहीं, दो हफ्ते में एक दफा घर की सफाई है। पवित्रता से शादी नहीं किया उसको पवित्रता नहीं कहते हैं। सत्युग में कितनी स्वच्छता थी, तो वो आत्मा के अंदर बाबा आज संस्कार भर रहा है। यही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद सत्युग में जाएगी। अगर यहाँ उनके जीवन में स्वच्छता नहीं है तो वहां होंगी? आत्मा तो वही है ना, वहां भी ऐसे कर्म करेंगे। तो बाबा ने यहां से संस्कार भर रहा है। तो घर को सफाई करो, खटिया से उठते ही खटिया साफ करो, ऐसे बिस्तर पड़ा रहे, कल खाना बनाया था सवेरे बनाता ऐसे रखा, खाना कम से कम 40 मिनट के बाद खाना खराब होता है, पता मुझे। अगर खाना बनाया, हवी के अंदर बड़ी जर्म्स है, आप कभी सवेरे बनाया कभी भी शाम तक खा लो, नहीं, 40 मिनट एक घंटा खाना बनाने के बाद, एक घंटा तक उसके बाद वो खाना खाने योग्य नहीं है। आज बीमारियों का कारण क्या है? बीमारी कहां से है? तो हवी के अंदर जर्म्स है। देखना, आप कभी भी पानी एक ग्लास में डाल के रखो, दो दिन रखना, देखो उसके अंदर क्या होता है ना। तो पानी के अंदर क्या होता है? तो ऐसे ही खाना बन गया, ठंडा हो गया, हवी के अंदर ही जर्म्स है, तो उसके अंदर बैठे दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए खाना बनाने का गरम गरम एक घंटा, क्यों? शास्त्रों में कहा सात्विक तमो प्रधान सतो प्रधान, क्या चीज है? घीले रस वाले ताजे सतो प्रधान है। खाना सूखा सूखा नहीं, सूखे रूखे कड़वे खट्टे बासी तमो प्रधान है। खट्टे खाना है, कड़वे है, सूखा है, बासी है, ये तमो प्रधान है। क्यों? हम जो कुछ खाते हैं उसका रस हमको मिलता है, ये शरीर रस से चलता है, खून से चलता है। सूखा सूखा कुछ खाया, पकौड़ा खाया, पकौड़ा तेल से शरीर चलता है नहीं, खून। तो हमारा खाना रस वाला होना चाहिए, घीला होना चाहिए, सूखा सूखा नहीं। फिर कैसे होना चाहिए? ताजा होना चाहिए, बासी नहीं, दो तीन दिन एक दिन पहले बना के रखा था, ताजा। ये सात्विक खाना है। शरीर को क्या खिलाना चाहिए वो भी ध्यान चाहिए। कुछ भी खिलाओ, बीमारी का कारण क्या है? अगर तन ठीक नहीं है, मन कैसे रहेगा, योग कैसे रहेगा? तन की स्वच्छता चाहिए।
तब किस स्वच्छता के अंदर फिर आया समझे, देखो थोड़ा सा यहाँ ऐसे इसलिए होता है, क्यों हो रहा है ऐसे ऐसे होता है क्यों? अगर आप दूरबीन लगाओ देखना बारीक बारीक कीड़े ढूंढते हैं, शरीर को पानी लग गया सड़ रहा है, जल्दी है तो शरीर को सब पसीना आता है, किसी के बाजू में बैठो पास नहीं है, नहीं शरीर स्वच्छ देवताओं के शरीर से सुगंध आता है। तो हम कल देवता बनने वाले हैं, आज से ये संस्कार लाना चाहिए। अभी ठंडी है, बूट पहनते हो, मोजा पहनते हो, पसीना आता है, वॉकिंग करते हो तो इधर आके बाजू में बैठो उस बस है, तो मोजा निकालना चाहिए, तो मोजा देखना चाहिए, रोज चेंज करना चाहिए, सवेरे शाम को शरीर को सवेरे शाम दो दफा स्नान करना चाहिए, है ना, कि एक दफा करना चाहिए, यूपी में पानी मिलता है, सवेरे ब्राह्मण दो दफा शरीर को स्वच्छ, कपड़े दो तीन दिन पहले वही पहन रहे हो, कपड़े की स्वच्छता पवित्रता क्या चीज है, तो वो बाबा कहता है कि शरीर की स्वच्छता, अन्न की स्वच्छता, कपड़े की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, घर में जाली है, मक्खी है, अगर एक मच्छर काटता है आज 2,00,000 रुपया खर्चा होता है, डेंगू का साइन तो नाम अलग रख दिया लेकिन मच्छर ही काटता है ना, तो इसके लिए मच्छरों से बचने के लिए खर्चा करके होता है घर की सफाई, हफ्ते में एक दफा कहीं भी जाली नहीं होनी चाहिए। देखो बाबा के घर में कोई मक्खी है मच्छर है देखा, देखो दादी ने कितनी अच्छी व्यवस्था किया, बाजू में मैं देख रहा था कोई झाड़ नहीं, सीमेंट से पैक किया स्वच्छ, कहीं भी जाओ जाओ तो कुछ कागज भी गिराए का देखो, हम कहते हैं मधुबन की बात कह रहे थे, हम भी चक्कर लगा के देखता हूँ एक जगह पर एक कागज भी नहीं गिरा हुआ है, कितने स्वच्छ लड़का है ना, इसको कहते हैं आश्रम, गृहस्थ को आश्रम बनाओ, घर में भी कहीं भी कपड़े पड़े हुए हैं, खाना खा के बर्तन ऐसे रखा है, थाली ऐसे रखी है, नहीं सफाई, वो संस्कार यहां से होना चाहिए। तीसरी बात, घर के बाहर जो पानी बहता है तो वहां मच्छर होंगे ना, तो मच्छर किसको काटेंगे, ये देवता को काटेंगे ना, और किसको तो नहीं काटेंगे, तो घर के चारों तरफ स्नान करते हो पानी ज्यादा है तो घर के चारों तरफ झाड़ लगाना चाहिए, हो सकता है क्योंकि शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, प्राण वायु चाहिए, वो कहां से आएगा अगर हवा नहीं है तो कैसे जिएगा, तो घर के चारों तरफ स्नान करके हो बर्तन साफ करो पानी ऐसे जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, झाड़ लगाना चाहिए, झाड़ को पानी जाता है, नहीं तो वहां पानी सड़ करके मच्छर है, वो स्वच्छता। तीसरी एक बात हमने कहा माता ऐसे करती है, हमने देखा माता क्या करती है, कल का सब्जी काटी छिलके खाना भर गया सारा खाना सब्जी झाड़ू लगाया सब कुछ प्लास्टिक के थैले में डाल के और उसने परफेक्ट दे दी, गाय खाएगी करते हो ऐसा, गाय प्लास्टिक खाएगी तो क्या होगा, झाड़ू लगाया सब्जी काटी छिलके भी कहां रस्ते परफेक्ट, म्यूनिसिपैलिटी वाले सफाई नहीं करते, गाय फिर प्लास्टिक खाती है तो चलेगा, तो क्या करना चाहिए, कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन तो है नहीं, गवर्नमेंट वाले खाली नहीं करते आते नहीं तो क्या करना, डस्टबिन तो है नहीं ले जाता है, सदा नहीं ले जाता है, एक जगह पर पड़ा रहता है वहां सड़ता है, फिर गाय इधर उधर फेंक देता है रस्ते पर प्लास्टिक कितना कचरा पड़ा है, तो कुछ उपाय है ना, उसका उपाय घर के बाजू में एक खड्डा खोदो, उस खड्डे में डालो रोज मट्टी डालते जाओ, तो वो क्या होगा अंदर खाद भी बनेगा, मट्टी डालते जैसे खड्डा भर जाएगा, रोज एक एक डालते जाओ, घर के बाजू के म्यूनिसिपैलिटी वाले सब जगह आते नहीं है पड़ा रहता है, फिर गाय और कोई आते हैं तो फैल जाता है हवा में, प्लास्टिक उड़ जाता है इधर उधर, ये सारी गंदगी कौन, फिर गाड़ी में जाते हो ट्रेन में जाते हो कुछ खाते हो रस्ते पर फेंकते हो, तो ये कौन सा फायदा है, भारत किसका, गवर्नमेंट का कि हमारा, हमारा हमारा भारत है ना, तो हमारे भारत को स्वच्छ रखना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है, तो कभी भी बच्चों को भी सिखाना चाहिए रस्ते पर कहीं जाते हो तंबाकू खाया गुटखा खाया कहीं भी पी चुका नहीं, रस्ते पर चलते फिरते कहीं नहीं कुछ खा के प्लास्टिक गिराना नहीं, अपने साथ ट्रेन में भी जाते हो तो एक थैले कुछ खाया पिया उस थैले में डालो, बाहर उतरने के बाद यहाँ कचरे का डब्बा है उसके अंदर डालो, इधर उधर फेंकना चाहिए,
बस पर जाते हो, ट्रेन पर जाते हो, रस्ते पर इतनी गंदगी किससे है? अगर आपको हम पवित्र है और ये सब गंदगी किससे है ना? माता गुरु बच्चों को सिखाएंगे ना, बच्चे इधर फेंकना नहीं, बाहर नहीं फेंकना, केला खाया, कुछ भी खाया, ट्रेन में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, बाहर फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो ना? तो कौन सिखाएगा? माता गुरु सिखाएंगे ना, बच्चों को भी, स्वयं को भी, पति को भी, घर में भी, घर की लक्ष्मी का, घर के अंदर की स्वच्छता। तो ये पवित्रता तन की फिर मन की सवेरे सुना है, किसी को देखते ही मन में शुभ विचार करें, चाहे कोई कैसा भी हो, कि तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, आप धन की भी पवित्रता सवेरे सुना है, किसी का पैसा पति का भी हो, जेब से निकाल के बाबा को दान करना चाहिए नहीं। हाँ, आज की दुनिया में करप्शन, कहते गवर्नमेंट में काम करते हो, हाँ करप्शन लेकर के बाबा को देंगे, दान करेंगे नहीं, ऐसा धन नहीं चाहिए, सच्ची समझ चाहिए। तो इसके लिए तन की, मन की, धन की, बोल भी कभी कभी गलत शब्द निकलते हैं कि नहीं निकलते? हाँ, तो बोल के भी स्वच्छ है, ये सभी प्रकार के पवित्रता है, उसको इस ईश्वरीय विद्यालय में पवित्रता कहते हैं। सिर्फ मैंने शादी नहीं किया इसमें पवित्र नहीं है ना? साधु तो ब्रह्मचारी लाख भाई जंगल में कहते हैं, साधु सत्य में आएंगे, हर प्रकार की स्वच्छता चाहिए, तन की चाहिए, खाने की चाहिए, बोल की चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए।